क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है और इसे मां लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और घर के लोग सदैव सुखी रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में रखना चाहिए ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़े और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार ने लोकल 18 को बताया कि शास्त्रों में तुलसी का पौधा लगाने के लिए शुभ दिन का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। गुरुवार और शुक्रवार तुलसी लगाने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, खासकर अगर आप चैत्र माह के गुरुवार या शुक्रवार को तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इसके विशेष लाभ मिलते हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा का एक बहुत महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तुलसी का पौधा में लक्ष्मी नारायण का वास कहा जाता है और कहा जाता है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में हरा भरा है और बहुत अच्छे कंडीशन में है तो कहा जाता है कि आपका घर धन संपदा से भरा रहेगा और आपके घर में कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और चलाचल लक्ष्मी हमेशा आपके यहाँ विराजमान करेगी। तुलसी का पौधा लगाने का जो सबसे अच्छा महीना होता है, ऐसे महीने के हिसाब से जो है ना, अक्टूबर नवंबर सबसे अच्छा माना जाता है और फरवरी भी। वैसे जो इसके सबसे शुभ तिथि होती है वो चैत्र मास में किसी भी गुरुवार को या शुक्रवार को, खास करके शुक्ल पक्ष के गुरुवार को और शुक्रवार को अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके यहाँ समृद्धि आती है, आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं तुलसी का जो पौधा है ये अपने आप में आपको दर्शाता है, अगर आप तुलसी के पौधा में सुबह शाम दीपक जलाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो आपके यहाँ कभी भी दलिद्रता नहीं आएगी। कहा जाता है दलिद्रता नाशक होता है तुलसी का पौधा, क्योंकि नारायण खुद वास, लक्ष्मी खुद वास करती हैं तुलसी के पौधा में, इसलिए दलिद्र का नाश करता है ये चीज़। तुलसी का जो पौधा होता है ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते का भोग लगाया जाता है। सुबह के समय तुलसी का पौधा लगाने से घर में आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर और फरवरी महीने में तुलसी का पौधा लगाना सबसे सही माना जाता है, क्योंकि इन महीनों में मौसम ना ज्यादा सर्द होता है और ना ज्यादा गर्म। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सोमवार, रविवार और बुधवार के दिन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इन दिनों को वर्जित कहा जाता है। इसके अलावा एकादशी का दिन भी तुलसी का पौधा लगाने के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसे परिवार में दिक्कतें आती हैं और अशुभ फल मिलते हैं। हनुमान जी का भोग लगाया जाता है या विष्णु जी का भोग लगाया जाता है, नारायण के किसी भी रूप का अगर भोग लगाते हैं या राम जी का भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता उसमें रखा जाता है, क्योंकि तुलसी का पत्ता सबसे शुभ माना जाता है, भगवान को अति प्रिय होता है। तुलसी का माला भी चढ़ाया जाता है गोविंद जी को, बांके बिहारी को भी तुलसी का माला चढ़ाया जाता है, तो विष्णु के सारे रूप को, इसलिए तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा जरूर लगाए, पूर्व दिशा की ओर, घर के पूर्व दिशा की ओर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। ये पूर्व दिशा के घर से निकलते वक्त दाहिने तरफ, घर से निकलते वक्त दाहिने तरफ आप रख सकते हैं, लेकिन अभी तो फ्लैट का प्रचलन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये संभव नहीं हो पाएगा कि घर से निकलते वक्त दाहिने तरफ वो तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, तो अपने बालकोनी में पूरब की दिशा में जो बालकोनी हो या खिड़की हो वहाँ पर तुलसी का पौधा कर सकते हैं। लेकिन तुलसी का पौधा रखते हैं तो उसकी नित्य सेवा कीजिए, आप तुलसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, इसलिए तुलसी की सेवा करना अनिवार्य है और तुलसी की सेवा करने से आपके घर में किसी भी बुरी नजर, कहते हैं ना भूत पिशाच, गलत निगेटिविटी, नजर दोष, सारे दोषों से आपका बचाव होता है। अगर तुलसी एकाएक सूख जाए तो बहुत लोग इसको बहुत अशुभ मानते हैं, हाँ थोड़ा अशुभ माना जाता है कि किसी की नजर लग गई, लेकिन तुलसी के जो डंडल होती है, जो तुलसी की जो सूखी हुई डंडल होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और मैं एक बहुत अचूक ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो तुलसी के डंटल को लें, उसमें रुई लपेटें और उसको घी में डुबो के आप उसका दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के पास, कृष्ण जी के पास, बांके बिहारी के पास आप दीपक जलाएं, आप देखेंगे कि आपके घर में उससे भी समृद्धि
आएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। जो सबसे अच्छा दिन है तुलसी के पौधा लगाने का वो हमारा गुरुवार और शुक्रवार है। तुलसी का पौधा अगर गुरुवार और शुक्रवार को लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भगवान को अति प्रिय है। तुलसी को वरदान है कि आप जहाँ विराजमान करोगी, मैं जहाँ विराजमान करूँगा वहाँ आप विराजमान करोगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी फल फूल रहा है तो भगवान का वास है, देवताओं का वास है, आपके आप जिनको पूजते हैं आपके इष्ट का वास है। इसलिए तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा रखने के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। अगर आप चाहें कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो तुलसी का पौधा सही दिशा में और उचित स्थान पर लगाएं। किसी भी पौधा को लगाने के लिए हमारा धरती का जो स्रोत होता है उससे आप ऐसे साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो उसको मिनरल्स मिलते हैं, सारे कुछ मिलते हैं, लेकिन अब भी हमारे मॉडर्न युग में, फ्लैट के युग में ये संभव नहीं हो पाता, तो आप गमले में रख सकते हैं। लेकिन तुलसी की पौधा लगाने के लिए जो मिट्टी आप लाए, किसी एकांत जगह से लाए, साफ सुथरी मिट्टी लाए, पुरानी मिट्टी खास करके लाए, जो मिट्टी बहुत दिनों से कहीं पर पड़ी है। एक होता है कि नया मिट्टी कहीं से उखाड़ के लाए और रख दिए, वैसे गमले में उपयोग न करें तो बेहतर होगा। आप गमले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी का पौधा महत्वपूर्ण है, उसको लगाना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके उसका जो महत्व है, जिसमें देवताओं का वास है, लक्ष्मी नारायण का वास है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तुलसी का पौधा लगाने के कई फायदे भी हैं, चलिए जानते हैं। तुलसी का पौधा सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। सही दिशा में तुलसी लगाने से आर्थिक तंगी खत्म होती है और धन की वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इन महत्वपूर्ण नियमों को अपनाने और घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में लगाकर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाएं। लोकल 18 के लिए मुजफ्फरपुर से ऋतु राज की रिपोर्ट।